कानपुर में एक झपट्टामारी की वारदात ने एक नेताजी की पोल खोलकर रख दी। दरअसल 8 जून को कानपुर नगर के विश्वविद्यालय चौकी क्षेत्र में पति और दो बेटियों के साथ बाइक से जा रही महिला के साथ चैन स्नैचिंग की घटना हुई थी। इस घटना के बाद महिला बाइक से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई थी। इस मामले में पुलिस की बुधवार देर रात जवाहरपुरम थाना क्षेत्र में लुटेरों से मुठभेड़ हो गई। इसमें एक बदमाश के पैर पर गोली लगकर वो घायल हो गया, जबकि उसके साथी को पुलिस ने घेर कर दबोच लिया। घायल आरोपी समाजवादी पार्टी का नेता बताया जा रहा है। उसकी एक तस्वीर भी पूर्व विधायक के साथ वायरल है। हालांकि टीवी 9 उत्तर प्रदेश वायरल फोटो की पुष्टि नहीं करता है। जानकारी के लिए बता दें, 8 जून को कल्याणपुर के आवास विकास के सज्जन अपनी दो बेटियों और पत्नी के साथ बाइक से घर लौट रहे थे। तभी बाइक सवार दो बदमाशों ने उनकी पत्नी की चेन और पर्स को झपट्टा मार दिया। इस घटना में महिला बाइक से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई है। दोनों बदमाश सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गए हैं। बुधवार देर रात को मुखबिर से सूचना मिली कि जवाहरपुरम में दोनों बदमाश लूट के इरादे से खड़े हैं। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उनकी बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। इसमें एक बदमाश मुकेश निषाद के पैर पर गोली लग गई, जबकि दूसरे राजकुमार को घेर कर पकड़ लिया गया। दिनांक 8 और 9 जून की मध्य रात्रि में एक परिवार अपनी स्कूटी से बाबूपुरवा से कल्याणपुर लौट रहा था, जिसमें पति पत्नी और उनकी दो बेटियां थी। उनके पीछे एक वाइट अपाची पे सवार दो अज्ञात लोगों ने आकर उनकी पत्नी के बैग को छीनने का प्रयास किया और बैग छीनने के साथ साथ संतुलन बिगड़ने के कारण उनकी पत्नी वहीं पे डिसबैलेंस होकर स्कूटी नीचे गिर गई और जो महिला थी वो गंभीर रूप से घायल हो गई, जिनको इलाज के लिए हैलेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। इस घटना में थाना कल्याणपुर पर तत्समय सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और घटना के अनावरण हेतु 5 पुलिस टीमों का गठन किया गया, जिनके द्वारा लगभग 100 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का अवलोकन किया और मोबाइल सर्विलेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के माध्यम से इस घटना के जो अभियुक्त थे उनकी शिनाख्त की गई, पहचान की गई। मुखबिर की सूचना पर आज इन दोनों अभियुक्तों की लोकेशन एलडीको के पीछे जवाहरपुरम क्षेत्र में मिली। जब पुलिस के द्वारा इनको इंटरसेप्ट करने का प्रयास किया गया तो अपने आप को घिरता देख इन्होंने पुलिस के ऊपर फायर किया और जवाबी कार्रवाई में इनमें एक अभियुक्त मुकेश के पैर में गोली लगी है। एक दूसरा अभियुक्त राजकुमार को भी मौके से पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों अभियुक्त पुलिस की हिरासत में हैं, इनसे पूछताछ की जा रही है। अब तक प्रारंभिक पूछताछ में जो महिला से इनके द्वारा पर्स लूटा गया था वो राजकुमार की निशानदेही पर पुलिस के द्वारा बरामद कर लिया गया है। इनके आपराधिक इतिहास और अन्य जिन भी घटनाओं में इनकी इन्वॉल्वमेंट रही है उसके संबंध में इनसे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के बाद जो तथ्य आएंगे वो मीडिया के साथ भी शेयर किए जाएंगे। दावा किया जा रहा है कि मुकेश निषाद कल्याणपुर वार्ड नंबर 17 से सपा का उपाध्यक्ष है। आरोपी ने अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल में कल्याणपुर विधानसभा के वार्ड 17 से खुद को सपा का उपाध्यक्ष बताया हुआ है।